थाना सिविल लाइन क्षेत्र में मिलावटी खोया देना पड़ा भारी। आर्मी के रिटायर रमेश बाबू इसकी शिकायत ज्वाला नगर पुलिस चौकी से की, जहां पर चौकी इंचार्ज ने मामले को गंभीरता से लेते हुए फूड विभाग के इंस्पेक्टर ने ज्वाला नगर स्थित तुषार मिष्ठान पर छापा मारा, जहां से फूड विभाग के इंस्पेक्टर और विभाग के अन्य लोगों ने सैंपल ले लिया। हाँ जी, क्या हुआ था सर आपके साथ? सर मैं इसकी दुकान पे आया था, मैंने बोला था कि अगर आपकी दुकान में अच्छा खोया है, प्योर खोया है, तो मुझे 2 किलो खोया चाहिए। तो इन्होंने बोला बिल्कुल प्योर खोया है। अच्छा ठीक है, उसको मैं लेके गया हूँ और जैसे इसको भूंजना, कच्चा था बिल्कुल सफेद था, और मैंने इसको थोड़ा भूंजना शुरू किया खड़ा करने के लिए, तो ये पिघलता चला गया। अच्छा, खोया कभी पिघलता नहीं है, बिल्कुल गीला हो गया, चिपक गया। मिलाई उसके बाद में भी ये जो है गुजियों में भरा, जैसे गुजिया तलना शुरू की तो आप मुंह से नहीं खुली है, साइड से ब्लास्ट हुई है, फट रही है वो, और पूरे की पूरी कढ़ाई के अंदर चिपक गया, जैसे खोलता चिपक जाता है। कड़छी से खोद खोद के हमने उसको निकाला, पूरी की पूरी गुजिया 2 किलो का गुजिया खराब हो गया पूरा की पूरा, और ये इतना पत्थर के माफिक है कि आप इसको चबा नहीं सकते। खोया कभी सॉफ्ट रहता है, कभी इतना पत्थर के माफिक नहीं होता है। उन्होंने दिया था सैंपल लेकर मावा गलत पकाया है, मावा इनसे उन्होंने खरीदा था, कढ़ाई में नहीं आ रहा, सैंपल की रिपोर्ट आने के बाद